नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक। संभाला कार्यभार। महिला सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना होगा प्राथमिकता। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत बोले, मंडल में भू कानून के तहत खरीदी गई भूमि की होगी जांच। विशेष अनुमति से खरीदी जमीनों में गड़बड़ी के कई मामले उजागर, होगी कार्रवाई। और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में 5 दिवसीय कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला शुरू। स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का होगा प्रचार प्रसार। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ ने आज उत्तराखंड पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। पुलिस महानिदेशक पदभार संभालने से पहले दीपम सेठ ने कई अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कोसोवोरू में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कार्य किया। इसके अलावा वो पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पीएसी प्रशिक्षण भी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाना, महिलाओं की सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं श्री दीपम सेठ ने सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतुड़ी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के तहत विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच की जा रही है। कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। काठगोदाम में हुई बैठक में अधिकारियों ने विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले प्रस्तुत किए। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल में भूमि खरीद उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें कि अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए। इसका भी देखने में आया कि काफी एक तरीके से मिसयूज कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चलान होते हैं कार्रवाई होती है वो चल रही है और गवर्नमेंट को हम यहाँ से जो सुझाव मिले हैं अब वो भी रेफर करेंगे। इसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जो ऐसी कंपनीज थी जो पूर्व में 2003 से पहले यहाँ पे एक्टिव थी उसकी आड़ लेते हुए भी बहुत सारी सेल्स परचेजेस लैंड की हुई है जिसमें कि जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में 5 दिवसीय कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का आज आगाज हो गया। ये मेला स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की याद में आयोजित किया जाता है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने कहा कि मेले में न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान हो रहा है बल्कि स्टॉलों के माध्यम से सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। यहाँ पे कृषि पर्यटन विकास मेला का शुभारंभ हमारी स्थानीय प्रधान मनोरी जी श्रीमती शीला भंडारी जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और हमारे महिला मंगल दल द्वारा यहाँ पे आप देख लेंगे प्रस्तुतियाँ सुबह से प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल की हमारी जितनी भी दल हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति यहाँ पे किए हैं और विभागों के स्टॉल आप देख रहे होंगे कि विभागों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और भव्य दिव्य बनाने के लिए हमने पूरी भरसक कोशिश की। वहीं मेले में कृषि पशुपालन उद्यान मत्स्य बाल विकास वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी देवेश्वरी कुंवर का कहना है कि मेले में लगाए गए स्टॉलों में सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का स्टॉल है
और इसमें हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसमें हमारे पास है मातृवंदना योजना जो कि महिलाओं से संबंधित है। प्रथम गर्भवती महिलाओं को ये योजना का लाभ दिया जाता है और द्वितीय जो बालिकाएं जन्म लेती हैं उसका लाभ दिया जाता है। मेले में पुलिस विभाग द्वारा भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। ऑनलाइन ठगी, अश्लील वीडियो चैट के झांसे में फंसाने के साथ ही ऑनलाइन दोस्ती कर फ्रॉड करने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। मेले में मैं अपनी साइबर सेल की और एंटी नार्को टास्क फोर्स की टीम के साथ यहाँ जनता को साइबर अपराधों और ड्रग्स के दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी देने के लिए आया हूँ। और आज हमारे द्वारा यहाँ मेले में आई जनता को साइबर अपराधों से बचने के तरीके, साइबर अपराधों के प्रकार और ड्रग्स के दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी दी गई। और टिहरी में स्थानीय निकाय चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नई टिहरी में संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एसडीएम को सभी मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों को चेक करने और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर संवेदनशील मतदेय स्थलों की सूची फाइनल कर गोपनीय रखने को कहा है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का अध्ययन कर सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी आने अपने निकाय में निर्वाचन कार्य के नोडल अधिकारी होंगे और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की सहायता और आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी प्रथम और द्वितीय नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों को निभाने के निर्देश दिए। आगामी प्रस्तावित चुनाव को लेकर अभी नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है और साथ ही जो आर ओ एआर ओ उनकी तैनाती की गई है, तो उसे संक्रम में प्रारंभिक बैठक की गई थी जिसमें सभी को अपने दायित्वों को अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे और गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। गैरसैंण ब्लॉक में सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज सभी विभागों की बैठक लेते हुए सारकोट गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों सारकोट गांव का दौरा करने और जल्द से जल्द विभागीय कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। आदर्श ग्राम सारकोट में सभी बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं के साथ सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। गांव में आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और रंग रोगन के साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। सैनिक बाहुल्य गांव सारकोट में पूर्व सैनिकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग को गांव में होम स्टे का पंजीकरण कराने और उरेडा को गांव में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। भारतीय महिला हॉकी टीम में स्थान बनाने वाली हरिद्वार की मनीषा चौहान ने हाल ही में बिहार के राजगीर में हुई एशियाई चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस जीत के बाद हरिद्वार पहुंचने पर मनीषा चौहान का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी उनसे मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। हरिद्वार के श्यामपुर की रहने वाली मनीषा चौहान अपने कोच को अपना आदर्श मानती है और महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया को भी वो एक मजबूत प्रेरणा के रूप में देखती हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने अपने सपनों और संघर्षों के अनुभव साझा किए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका बहुत नाम है, उत्तराखंड में हो चाहे पूरे इंडिया में हो या पूरे देश में हो, उनका बहुत नाम है, उनके गेम की बहुत वैल्यू है। तो अभी मैं सेकेंड पर्सन आई हूँ तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जगह का नाम और ऊंचा करूं जैसे उन्होंने रखा है, मैं उस चीज़ को मतलब एक मुकाम तक लेके जाऊं। फिर इस छोटे से गांव में हम लोगों का एक स्कूल है, स्कूल में मैंने अपना हॉकी स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर यहां से मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली के बाद फिर मैंने दूसरे स्टेट से खेलने के बाद मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरे कोच मेरे आइडियल हैं और मैं चाहती हूँ कि इंडिया ओलंपिक्स में मेडल लेके आए, ये मेरा ड्रीम है और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम लोग इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे।
अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कर ली है कि नेशनल मेडल होने पे आप लोगों को प्राइज दिए जा रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको जॉब दिए जा रहे हैं, नहीं तो जो भी नेशनल खेल के आ रहा है उन लोगों को भी जॉब मिल रही है अपने उत्तराखंड में, अपने होम ग्राउंड में, तो इससे अच्छी बात नहीं है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि एट दी एंड सबको जॉब की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो कुछ भी है, लेकिन लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको जॉब चाहिए, और इससे हमारी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। और अभी हम लोगों के स्टेट में नेशनल गेम्स हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हम लोग करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रही है और बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स भी करवा रही है उत्तराखंड में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें, मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।